ओके, तो हम कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारा एरियोलर तक हो गया, एरियोलर तक हो गया। लेट्स स्टार्ट विद एडिपोज, लेट्स स्टार्ट विद एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज, जैसा कि मैंने कहा था, जैसा कि मैंने कहा था, आपके जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं, जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं, उनका जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो डिसाइड कौन करता है? वो डिसाइड करता है उनका मैट्रिक्स। कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है उनका मैट्रिक्स, कि उनका मैट्रिक्स कैसा है। अगर ज्यादा लूज है तो वो ज्यादा लूज होंगे, फ्लूइड है होगा, मतलब उसमें ज्यादा फ्लूइडिटी ज्यादा होगी तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होगा। वाटर की अमाउंट कम हो जाएगा मैट्रिक्स में, और वाटर का अमाउंट कम हो जाएगा तो वो हार्ड हो जाते हैं या फिर सेमी हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, उसी में एडिपोज टिश्यूज भी है। एडिपोज टिश्यूज में क्या होता है, बेसिकली इसमें आपका फ्लूइडिटी कम होती है, इसमें फ्लूइडिटी कम होती है। तो एडिपोज टिश्यू बेसिकली जो होता है, ये आपके फैट सेल्स होते हैं, इसमें ये आपके फैट सेल्स को स्टोर करता है। एडिपोज टिश्यू क्या करता है, वो आपके फैट सेल्स को स्टोर करता है। तो ये बेसिकली आपका एक फैट रिजर्वायर का काम करता है, एक फैट रिजर्वायर का काम करता है। प्लस ये आपके लिम्स को बॉडीज को एक शेप प्रोवाइड करता है। लिम्स और बॉडीज को आपको एक शेप प्रोवाइड करता है। सिंपल सी बात है, जब हम जिम में जाते हैं, तो डोले शोले बनाते हैं, ऑब्वियसली हमें कट्स की जरूरत पड़ती है, कट्स शो होने चाहिए, तो वो फैट्स प्रॉपर होने चाहिए, फैट्स प्रॉपर होने चाहिए, तो वो उसकी हेल्प से होता है। ठीक है, प्लस अब आपके जो बॉडी है, बॉडी में अंदर इंटरनल ऑर्गन्स है, तो इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर डिपॉजिट होके, कि साइड साइड में डिपॉजिट हो जाता है। इससे क्या होता है, अगर आप मतलब फॉर एग्जांपल आप जब भाग दौड़ कर रहे हो, उछल कूद करते हो, तो आपकी बॉडी में शॉक लगते हैं, आपकी बॉडी में शॉक लगते हैं। तो एडिपोज टिश्यू क्या करता है, उन शॉक्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, उस शॉक को एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स को ज्यादा हार्म नहीं होता, जिससे आपके इंटरनल ऑर्गन्स को ज्यादा हार्म नहीं होता। प्लस एडिपोज टिश्यू ऑल्सो एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। एडिपोज टिश्यू ऑल्सो एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। अब यहाँ पे देखते हैं एडिपोज टिश्यू क्या क्या है। एडिपोज टिश्यू इज बेसिकली बेसिकली एन एग्रीगेशन ऑफ बेसिकली इन एन एग्रीगेशन ऑफ फैट सेल्स, एग्रीगेशन ऑफ फैट सेल्स, ठीक है, जिसे हम एडिपोसाइट्स भी कहते हैं, जिसे हम एडिपोसाइट्स भी कहते हैं। फाइन, फैट सेल्स जो होते हैं, फैट सेल्स आर अरेंज्ड अरेंज्ड इन टू लॉब्यूल्स, दैट इज ग्रुप्स, ग्रुप्स के फॉर्म में होते हैं लॉब्यूल्स। ठीक है, लॉब्यूल सेपरेटेड बाय पार्टीशंस, सेपरेटेड बाय पार्टीशंस ऑफ कोलेजन। सर कोलेजन क्या होता है? बेसिकली फाइबर होता है बेटा, फाइबर होता है, कोलेजन इलास्टिन फाइबर, ये मतलब बाइंड करने का काम करता है, ये बाइंड करने का काम करता है सर ये कोलेजन। इलास्टिक से फ्लेक्सिबल होता है? जी ओके सर। ठीक है, अब ये तो हो गया, इनके स्ट्रक्चर की बात हो गई, इनके स्ट्रक्चर की बात, अकरेंस की बात करते हैं। तो अकरेंस बेसिकली अगर हम देखेंगे, तो आपके जो फैट टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं, ये आपके स्किन के नीचे होते हैं, बिलो द स्किन, बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। इट अकर्स बिलो द स्किन, अकर्स बिलो द स्किन बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, जिससे कि आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो ज्यादा मूव ना करें, एक जगह फिक्स रहें, ज्यादा मूव ना करें, बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है,
फंक्शंस की बात करते हैं। तो फंक्शन जैसा कि मैंने बनाया बताया था, सर्व्स एज अ फैट रिजर्वायर, सर्व्स एज अ फैट रिजर्वायर। फैट ज्यादा होगा तो भी स्टोर होने पे दिखाई देता है, फैट दिखाई देता है, ठीक है। और अगर आप प्रॉपरली वर्कआउट कर रहे हो और प्रॉपर अमाउंट में फैट्स है, तो बॉडी को प्रॉपर शेप भी प्रोवाइड करता है, बॉडी को प्रॉपर शेप भी प्रोवाइड करता है। क्या बात है चैतन्य, वीडियो ऑन नहीं किया तो चैट पे एक्टिव हो? ठीक है, इट प्रोवाइड्स, शेप टू द लिम्स एंड द बॉडी। शेप टू द लिम्स एंड द बॉडी प्लस कीप्स विसरल ऑर्गन्स मीन्स इंटरनल ऑर्गन्स इन पोजिशन, विसरल ऑर्गन इन पोजिशन, ठीक है। वर्क्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर, वर्क्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर, फॉर्म्स शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन, शॉक एब्जॉर्बिंग कुशंस अराउंड किडनीज एंड आईबॉल। ठीक है, एंड द लास्ट, इट एक्ट्स एज अ इंसुलेटर, एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। वैसे इंसुलेटर होता क्या है? यस, इंसुलेटर क्या होता है? बैड कंडक्टर। बिल्कुल ठीक, दैट इज इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। इतना क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? नो डाउट सर। ईशानी क्लियर? ईशानी सर जी, सर सर आईबॉल्स के अराउंड वो शॉक एब्जॉर्बर कैसे होता है? शॉक एब्जॉर्बर जैसे आपके फैट सेल्स जो होते हैं आईबॉल्स के आजू बाजू डिपॉजिट हो जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे आप मूव कर रहे हो, उछल कूद कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो शॉक आता है, शॉक जो आएगा वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जिससे कि आपके आईबॉल्स को हार्म नहीं होता है उस साइड, क्योंकि फैट्स जो ओके है वो सर। आपके विसरल ऑर्गन्स के आसपास डिपॉजिट होते हैं, वो आपके विसरल ऑर्गन्स के आसपास डिपॉजिट होते हैं। हाँ बोलो। सर ये जो जो मतलब प्रेजेंट होता है अगर ये एज अ इंसुलेटर की तरह, तो सर ब्लड क्या तो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, क्योंकि ब्लड में आयरन होता है सर, ब्लड में आयरन होता है ना। ब्लड की बात कौन कर रहा है? मैं तो एडिपोज टिश्यू की बात कर रहा हूँ। यस सर, बट सर जो टिश्यू है वो बॉडी में है, बॉडी में ब्लड भी तो है। आगे लड़की, ब्लड अलग हो गया ना, टिश्यूज अलग हो गए ना। ओके सर और ऐसा तो मैंने ये कहा नहीं कि ये फैट फैट रिजर्वायर है, मतलब जो आपके एडिपोज टिश्यू है इसकी वजह से अगर आप वायर को टच करोगे तो आपको शॉक नहीं लगेगा, या फिर आपको मतलब इसमें करंट नहीं लगेगा, ऐसा तो है नहीं। उसके बगल में मैंने लिखा भी है, इट रेगुलेट्स योर बॉडी टेम्परेचर, मतलब आपके बॉडी हीट को ये बाहर नहीं निकलने देता ज्यादा, ठीक है। तो वहां पे एज एन इंसुलेटर मीन्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहा मैं, सर। ठीक है।
नेक्स्ट इज ने अभी कोई मुझे बुला रहा था क्या? सर बुला रहा था कोई? यस एनीवन? सर मैं आई थी सर। लड़के की आवाज में? नहीं सर मैंने बुलाया अच्छा ठीक है, नहीं मुझे ऐसा लगा किसी ने आवाज दी थी। फाइन, तो एडिपोज टिश्यू के बाद, एडिपोज टिश्यू के बाद अब हमारा आता है नेक्स्ट इज स्केलेटल टिश्यूज। सर। स्केलेटल, शॉर्ट सर चैट सेक्शन चेक कर लो। एक मिनट एक मिनट। हाँ ईशानी बोलो। एडिपोज टिश्यू, आपको, आपने एडिपोज टिश्यू पढ़ा, देखा पूरा कि नहीं देखा ये बताओ? एडिपोज टिश्यू पूरा देख लिया? नो। अच्छा, तो एडिपोज टिश्यू का बेसिकली, एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, ये आपके फैट सेल्स होते हैं। इसमें मतलब बेसिकली इसमें जो होता है आपके फैट सेल्स मैट्रिक्स में डिपॉजिटेड रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉब्यूल्स। लॉब्यूल्स मतलब ग्रुप्स में, ठीक है? और ये आपके बेसिकली स्किन के बिलो रहता है, स्किन के नीचे, प्लस इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास, इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास रहता है, ठीक है? ये काम क्या करता है? काम इसका होता है, इट सर्व्स एज अ फैट रिजर्वायर। मतलब आपके बॉडी के जितने फैट्स हैं, जो भी फैट होता है वो इसमें आके स्टोर, एक्स्ट्रा फैट जो इसमें आके स्टोर होता है। जो फैट आपने एनर्जी के लिए यूज कर लिया वो तो अलग हो गए, ठीक है? उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं वो यहाँ पे स्टोर होते हैं, ठीक? प्लस ये आपके लिम्स को और बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। तो शेप दो तरह से, अगर ज्यादा खाओगे और कम वर्कआउट करोगे तो फिर मोटा वाला हो जाता है, दैट द डिफरेंट शेप, और अगर प्रॉपर खा रहे हो और वर्कआउट भी प्रॉपर कर रहे हो तो परफेक्ट शेप भी मिल सकती है, ठीक है? फिर आपके ये जो विसरल ऑर्गन, जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, उनके बीच में ये रहता है, ठीक है? तो ये बेसिकली उनको जगह पे रखता है, फिक्स रखता है, ठीक है? जिससे कि क्योंकि हम पूरे दिन कुछ ना कुछ वर्कआउट करते रहते हैं, तो इंटरनल ऑर्गन ज्यादा मूव ना करें, इसके लिए उनको पोजिशन में रखने का काम करता है। प्लस इट वर्क एज अ शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन, शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन अराउंड द किडनीज एंड आईबॉल्स। मतलब जो हम उछल कूद करते हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो शॉक लगता है, जो हम उछल कूद करते हैं उसकी वजह से बॉडी में जो शॉक लगता है, उससे आपके किडनी और आईबॉल जो कि काफी डेलिकेट होते हैं उन्हें बचाता है। प्लस ये इंसुलेटर की तरह वर्क करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में जो हीट लॉस है वो कम होता है, तो आपकी बॉडी के जो अंदर जो हीट है उसे सस्टेन करके रखता है, जिससे कि आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, बॉडी टेम्परेचर आपका मेंटेन रहता है। आया समझ? यस सर। ओके, अब स्केलेटल टिश्यू की बात करते हैं। तो स्केलेटल टिश्यू में जैसा कि मैंने कहा था, अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो दो तरीके का होगा। एक तो प्रॉपर सॉलिड हो जाता है, पूरा सॉलिड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्ट ज्यादा रहते हैं, उसमें सॉल्ट ज्यादा रहते हैं, जो कि आपका हो जाता है बोन, जो कि आपका हो जाता है बोन। और एक दूसरा होता है, दूसरा टिश्यू होता है जिसमें फ्लूइड, मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बट वो पूरी तरह से फ्लूइडिटी भी नहीं होता। तो उसमें बेसिकली देखा जाए तो सॉलिड होता है बट सेमी सॉलिड है, मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है और हार्डनेस भी होती है। तो वो हो जाता है आपका कार्टिलेज, बोन एंड कार्टिलेज। इसमें दो टाइप्स हो जाएंगे आपके, फर्स्ट इज योर बोन एंड द सेकेंड इज कार्टिलेज। बोन एंड कार्टिलेज में सबसे सिंपल डिफरेंस ये है कि बोन जो होता है वो हार्ड होता है, बोन जो है वो हार्ड होता है, और कार्टिलेज जो होता है वो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है? तो कार्टिलेज बेसिकली, कार्टिलेज जो होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है? और वो आपके बॉडी, मतलब जो बॉडी पार्ट जो है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो नोज टिप है, आप अपने नोज टिप को टच कर सकते हो, आप अपने ईयर पिना को टच कर सकते हो, ये सारे आपके बेसिकली कार्टिलेज होते हैं, ठीक है? तो ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं, तो ये शेप प्रोवाइड करता है, ये बेसिकली आपके बॉडी पार्ट्स को शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो अब बोन, और बोन का क्या है, बोन में क्या होता है, इट इज स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल। तो सबसे पहला पॉइंट बोन में क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बोन है, बोन जो है वो आपके बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, वो आपके बॉडी का स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर। जो बोन के ऊपर सारे के सारे मसल्स आपके एंकर्ड रहते हैं, जिसकी वजह से आपके पूरी की पूरी बॉडी को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड
होता है, जिससे आपके बॉडी को पूरा का प्रॉपर टू प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है, ठीक है। और आपका जो यहाँ पे कार्टिलेज जो है, दिस इज फ्लेक्सिबल, कार्टिलेज इट्स फ्लेक्सिबल, ठीक है। इट्स अ फ्लेक्सिबल और सेमी सॉलिड, मतलब स्लाइटली इलास्टिक होता है। फाइन, अब मैट्रिक्स की बात करते हैं। मैट्रिक्स तो जो आपका बोन का जो मैट्रिक्स होता है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड सॉल्ट्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल से बना होता है, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ बोन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, एंड सॉल्ट्स, सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ठीक है, जो कि बेसिकली स्ट्रॉन्गनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो आपके इस बॉडी बोन के स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कि उसमें सर हाँ बेटा बोलो। प्रेजेंटेशन सर आई कांट सी योर स्क्रीन। बेटा एक बार है ना, मेरी किसी दूसरे की स्क्रीन पे क्लिक करो, आईडी पे क्लिक करो, फिर मेरी प्रेजेंटेशन पे क्लिक करो, आएगा। सर आ गया। These minerals are responsible. Okay, space कम हो गया यहाँ पे, इसको थोड़ा दूर दूर लिखते हैं। Are responsible for the hardness of bone. हार्डनेस ऑफ बोन, इसीलिए हम हमेशा कैल्शियम खाने पे जोर देते हैं। पेरेंट्स जो है कैल्शियम खिलाने पे जोर देते हैं, क्यों? क्योंकि उससे आपके जो बोन्स है वो स्ट्रांग बनते हैं, ठीक है। अब आपके जो बेसिकली जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज में क्या होता है, इसमें भी प्रोटीन्स होते हैं, कार्टिलेज के मैट्रिक्स में भी प्रोटीन्स और आपके कैल्शियम होता है, बट उतना नहीं होता जितना आपके बोन में होता है। बोन में ये ज्यादा होते हैं, बोन में सॉल्ट ज्यादा होते हैं, प्रोटीन्स और सॉल्ट ज्यादा होते हैं कंपेयर टू कार्टिलेज। तो कार्टिलेज का मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड स्लाइटली हार्डन बाय कैल्शियम सॉल्ट। दोनों के मैट्रिक्स में फर्क समझ में आया? ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स में ही फर्क है, तो उसकी वजह से दोनों के स्ट्रक्चर में फर्क आता है। अब बात करते हैं अकरेंस की, तो जो बोन है वो आपका बेसिकली एंडोस्केलेटन बनाता है। जो बोन है इट मेक्स योर एंडो स्केलेटन, फॉर्म्स दी एंडो स्केलेटन। ठीक है, और जब कार्टिलेज की बात करते हैं, तो कार्टिलेज की अकरेंस कहाँ कहाँ होती है? कार्टिलेज इज लोकेटेड यस, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है बताना जरा। सर नोज केप ईयर पिन्ना बिल्कुल ठीक,
इन ईयर पिना, लोअर एंड बिल्कुल ठीक, नो स्टेप, लोअर एंड्स ऑफ लिप रिब्स, लोअर एंड्स ऑफ रिब्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी जगह हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरवर्टिब्रल डिस्क में भी होता है, आपका जो बैकबोन होता है, बैकबोन जो है, बैकबोन में जो वर्टिब्रे होते हैं उनके बीच में आपका कार्टिलेज होता है, जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी को आगे और पीछे की तरफ बेंड कर सकते हो, जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी को आगे और पीछे बेंड कर सकते हो। अब बात करते हैं फंक्शंस की, बात करते हैं फंक्शन की। तो बोन का फंक्शन क्या होता है, कौन बताएगा बोन का फंक्शन क्या होता है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सब हाँ बोलो बोलो, ठीक वाइटल ऑर्गन सच एज ब्रेन हार्ट एक्सेट्रा प्रोवाइड है। सपोर्ट टू द बॉडी प्रोवाइड स्केलेटल सपोर्ट टू द बॉडी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोवाइड प्रोवाइड शेप, शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। बिल्कुल ठीक, प्रोवाइड शेप टू दी बॉडी, सेकेंड स्केलेटल सपोर्ट, इट प्रोवाइड सेकेंड स्केलेटल सपोर्ट, प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल जो आपके रिब्स होते हैं वो आपके लंग्स और हार्ट को बचाता है, जो आपके हिप्स हैं, हिप्स जो हैं वो आपके किडनी और बाकी पार्ट को बचाता है, ठीक है। प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, फाइन, एंड एंकर्स दी मसल, एंकर्स दी मसल, मतलब आपके जितने भी मसल्स हैं वो आपके बोन पे रेस्ट करते हैं, एंकर्स दी मसल्स। और कार्टिलेज का फंक्शन क्या है? कार्टिलेज का फंक्शन होता है, इट प्रोवाइड सपोर्ट्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी। टू दी बॉडी पार्ट्स, ठीक है। और हाँ एक और एक और एक और, आपके लॉन्गर बॉडी, जो लॉन्गर बोन्स होते हैं उनके एंड पे भी होता है, लॉन्गर बोन्स के एंड पे भी होता है, तो वो किस लिए होता है? क्योंकि वो उस पर्टिकुलर एरिया को स्मूथन कर देता है, जिसकी वजह से आपके जो दो बोन्स हैं वो आपस में ज्यादा रब नहीं करते। अदरवाइज अगर ये कार्टिलेज नहीं होगा तो बोन्स जो हैं, जॉइंट्स में जो बोन्स होती हैं वो आपस में रब कर करके टूट जाएंगी, घिस जाएंगी, तो उससे आपका बाद में पेन शुरू हो जाता है। बुढ़ापे में पेन क्यों होता है जॉइंट्स में? क्योंकि जो कार्टिलेज है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म होने लगती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म होने लगती है एज के साथ साथ, जिसकी वजह से हमें हमारे जो जॉइंट्स हैं उसमें पेन शुरू हो जाता है। फिर उसका इलाज क्या होता है? डॉक्टर्स वहां पे आर्टिफिशियल लुब्रिकेट लुब्रिकेशन करता है, आर्टिफिशियल लुब्रिकेशन करता है, इट स्मूथन्स। सर लिगामेंट नहीं होता बोन्स के बीच में? वो तो होता है, बट सरफेस को सॉफ्ट करने के लिए कार्टिलेज भी होता है, लिगामेंट तो ज्वाइन करने के लिए होता है ना, तो जो दो बोन्स को, ओके सर। दोनों का अलग अलग फंक्शन है, दोनों का अलग अलग फंक्शन है। देखो अब फॉर एग्जाम्पल आप दो मेटल के रॉड्स ले लो, दो मेटल रॉड्स ले लो, अब उसको एक दूसरे के साथ अगर आपको जोड़ना है तो आपको ये पता है अगर ये दोनों आपस में रब करेंगे तो ऑब्वियसली मेटल का लॉस होगा, ठीक है। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर एक हम प्लास्टिक कवरिंग, मतलब रबर कवरिंग लगा के फिर अटैच करेंगे अगर, तो वहां पे अगर वो आपस में रब भी करेंगे तो ज्यादा लॉस नहीं होगा, फ्रिक्शन ज्यादा नहीं होगा, तो ज्यादा टाइम तक चलेंगे। आई बात समझ? यस सर। तो इट्स लाइक रबर कैप, इट्स लाइक रबर कैप, ठीक है। फाइन,
ओके नाउ इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया सभी को, स्केलेटल टिश्यू क्लियर हो गया। सर। ओके नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। चलो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आप लोग बताना मेरे को, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कौन बताएगा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? सर इट्स ब्लड। इट्स ब्लड। वाह क्या आंसर दिया, एपिक आंसर, वेल डन अक्षर, इससे अच्छा आंसर मैं सोच ही नहीं सकता था। एनीवन एल्स, कोई और ट्राई करना चाहेगा, व्हाट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू? लिम्फ। पहले तो मुझे ये बताओ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं उसे, वो तो मुझे ही पता है, ठीक है लिम्फ है वो तो समझ में आ गया, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है मैंने ये बोला है। आई डेंट आस्क फॉर द टाइप्स, आई डेंट आस्क फॉर द टाइप्स, आई आस्क फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सर जो कि फ्लूइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और सर की कोई भी दो चीजों को जोड़ता है। मेरा क्वेश्चन अभी भी नहीं समझा है लड़का। आई एम आस्किंग व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। द सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज आर लूजली पैक्ड एंड दे ट्रैवल इन द होल बॉडी ये ठीक है एंड दे बट आर आप इन द कुछ फॉर्म भूल ऑफ गए, भूल गए। जेली एंड फ्लूइड। मैट्रिक्स, वेयर इज द मैट्रिक्स, ड्यू टू फ्लूइड मैट्रिक्स, बिल्कुल ठीक राज, राज बिल्कुल ठीक, बिकॉज जो मैट्रिक्स होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में, अनन्या आपका ठीक है, आपका ठीक है, बट उसमें आपको बस यही ऐड करना है कि मैट्रिक्स जो है वो लूजली पैक्ड होता है, मैट्रिक्स जो है वो लूजली पैक्ड होता है, जिसकी वजह से, अच्छा अश्विता, ओके सॉरी सॉरी एक मिनट, अश्विता का भी कैरीज फ्लड नहीं, अश्विता ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो तो आपने टाइप्स बता दिया ना, मैंने आज क्वेश्चन पूछा था फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो मैट्रिक्स होता है वो लूजली पैक्ड होता है, वो लूजली पैक्ड होता है जिसकी वजह से ये फ्लो कर सकता है, जिसकी वजह से ये फ्लो कर सकता है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और अब इसके टाइप्स देखते हैं, तो इसका टाइप जैसा कि आप लोगों काफी लोगों ने आंसर दिया, ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ, बेसिकली देखा जाए तो लिम्फ भी ब्लड से ही बनता है, लिम्फ भी जो है वो ब्लड से ही सिक्रीट होके निकलता है, लिम्फ जो है वो ब्लड से ही सिक्रीट होके निकलता है। अब ब्लड में क्या होता है, ब्लड बेसिकली देखा जाए तो इट्स अ सोल्यूशन, इट्स अ मिक्सचर होता है, मिक्सचर कैसे, क्योंकि इसमें जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो होता है ये बेसिकली प्लाज्मा होता है, ठीक है, तो इसमें प्लाज्मा में आपके ब्लड सेल्स सस्पेंडेड रहते हैं, ब्लड सेल्स सस्पेंडेड रहते हैं जो कि ओवरऑल हम जिसे हम ब्लड कहते हैं, ठीक है, कैसे, ब्लड में आपका जो मैट्रिक्स है मतलब जो बेस है, जो बेस है वो प्लाज्मा का होता है, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड में ब्लड प्लाज्मा होता है जो कि कलरलेस होता है, आजकल आप पेपर में पढ़ते होगे, पेपर और न्यूज में देता रहता है प्लाज्मा बैंक के बारे में, सुना है कभी यस सर। प्लाज्मा बैंक? यस प्लाज्मा सर। बैंक में क्या होता है, प्लाज्मा बैंक जो बेस होता है, जो बेसिक होता है, उसमें मतलब आपके आरबीसी नहीं होंगे, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स नहीं होते, सिर्फ प्लाज्मा होता है, तो उसमें आपके एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है, और वो एंटीबॉडीज अगर आप किसी दूसरे को देते हो तो वो आपके एंटीबॉडीज दूसरे के बॉडी में जाते हैं, तो वो उसके अंदर जो वायरसेस होते हैं या बैक्टीरियाज होते हैं वो उसे मारता है, ठीक है, तो वह इसलिए हम प्लाज्मा शेयर करते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा जो कि मैट्रिक्स है, ब्लड प्लाज्मा इज अ लिक्विड मैट्रिक्स जिसमें जिसमें आपके ब्लड सेल्स होते हैं, जिसमें आपके ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे पहला होता है आपका रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, सेकेंड व्हाइट ब्लड सेल्स, जैसे हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, एंड द थर्ड एंड द इंपॉर्टेंट प्लेटलेट्स, ठीक है, ये तीनों जो हैं, ये तीनों जो हैं ये आपके होते हैं ब्लड सेल्स, ये आपके होते हैं ब्लड सेल्स,
और इन चारों को अगर मिला दिया जाए, इन चारों को अगर मिला दिया जाए तो बनता है आपका ब्लड। आई बात समझ? ठीक है, तीनों को कहते हैं ब्लड सेल्स, और जब चारों को मिक्स कर दिया जाए, चारों को ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो वो हो जाता है आपका ब्लड। सेम वे जो आपका लिम्फ होता है, जो लिम्फ होता है, लिम्फ में बेसिकली होते हैं आपके व्हाइट ब्लड सेल्स। बेसिकली इसमें होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा में होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं प्लस प्रोटीन्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स। और लिम्फ जो होता है वो कलरलेस होता है, लिम्फ जो होता है वो कलरलेस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं होता है, इसमें आरबीसी नहीं होता है। ठीक है, आई बात समझ? तो ये आपके ब्लड से फिल्टर होता है, ब्लड से फिल्टर होके ब्लड कैपिलरीज के पैरेलली ये फ्लो होता है लिम्फ। ठीक है, तो लिम्फ में व्हाइट ब्लड सेल्स ज्यादा होते हैं, तो व्हाइट ब्लड सेल्स बेसिकली जो होता है वो आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। ठीक है, तो हमारा जो लिम्फ है वो क्या करता है, वो आपके जो सेल्स होते हैं उनसे वेस्ट प्रोडक्ट लेता है। अगर उसमें कोई फॉरेन एलिमेंट है, जैसे कोई वायरस या फिर कोई दूसरा बैक्टीरिया ऐसा कुछ होता है, तो उससे वो मारता है, तो आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को वो कंट्रोल, मतलब कंट्रोल करता है, आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है। अब अगर आपसे पूछा जाए ब्लड का अकरेंस, अगर हम पूछते हैं तो ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी में है, तो ब्लड जो है पूरी बॉडी में फ्लो कैसे होता है, ब्लड अगर देखें तो पूरी बॉडी में फ्लो कैसे होता है, तो वो फ्लो होता है इन द ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स कौन कौन से होते हैं? आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। बिल्कुल ठीक, आर्टरीज। टेंथ में आपको ये डिटेल में आएगा, टेंथ में आपको डिटेल में आएगा, अभी सिर्फ नाम याद कर लो, आर्टरीज, वेन्स। वैसे आपने एट में पढ़ा होगा, सेवेंथ एट में है आपको ये, पढ़ा है। ट्रांसपोर्टेशन में आपने पढ़ा होगा वेन्स एंड कैपिलरीज। तो ये आपके ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, और ओवरऑल अगर हम इसे देखें, ओवरऑल अगर हम इसे देखते हैं, ये तीनों आपका मिला के बनाते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसी के पैरेलली आपका फ्लो होता है लिम्फ, इसी के पैरेलली आपका फ्लो होता है लिम्फ। ठीक है, अब फंक्शन की बात करते हैं, तो लिम्फ भी आपके इनके पैरेलली फ्लो होता है, तो बेसिकली उसके अकरेंस पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उसका अकरेंस भी आपके पूरी बॉडी में रहता है। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा था? सर ऊपर स्क्रॉल कर दो प्लीज। अच्छा ओके, ठीक है। तो अगर हम अब फंक्शंस की बात करते हैं, फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं, तो ब्लड में जितने ब्लड सेल्स हैं, तो जितने ब्लड सेल्स हैं उनके फंक्शंस अगर आपको पता है तो आपको ब्लड का फंक्शन पता है। ब्लड का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का। ब्लड का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ते हैं, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन इन बॉडी ह्यूमंस, दैट इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ट्रांसपोर्ट क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन। हॉर्मोन्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, विटामिन्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक, विटामिन, ऑक्सीजन। एक्सेट्रा। हाँ बिल्कुल, ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन भी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हो गया ओवरऑल, अब इसको अलग अलग देख लेते हैं। तो आरबीसी जो है वो आपका फ्लो बेसिकली ऑक्सीजन फ्लो करता है, आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन फ्लो करता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम, जो कि डिजीजेस से फाइट करता है। ठीक है, प्लेटलेट्स किस लिए यूज होते हैं? प्लेटलेट्स यूज होते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए, प्लेटलेट्स जो है वो यूज होते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए। तो ब्लड जो है इट ट्रांसपोर्ट्स, न्यूट्रिएंट्स हॉर्मोन्स एंड विटामिन्स ठीक है, प्लस
ट्रांसपोर्ट्स और आरबीसी, यहाँ पे मैं एक एक करके लिख देता हूँ, एक मिनट हाँ, एक मिनट चैतन्य, एक मिनट। आरबीसी ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, WBC फाइट्स डिजीजेस, फाइन। प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, सो दिस इज योर फंक्शंस ऑफ ब्लड। हाँ, स्पीट हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब लिम्फ का देखते हैं, लिम्फ का देखते हैं। तो लिम्फ के फंक्शंस भी ऑलमोस्ट सेम है। तो सबसे पहली चीज, लिम्फ में सबसे ज्यादा क्या होता है, WBC। तो WBC क्या करता है, ये बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम को बनाता है। तो आपका जो लिम्फ है, इट फॉर्म्स द डिफेंस और इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। ऑफ दी बॉडी एंड अगेन इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट दी न्यूट्रिएंट्स, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स दी न्यूट्रिएंट्स। सर, हाँ जी, फोन में सर लो बैटरी है सर, अगर डिस्कनेक्ट हो जाऊं तो सर प्रेजेंट मार्क कर देना। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, और साथ में ये आप, इट ब्रिंग्स CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट वेस्ट फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड टू बॉडी, सॉरी टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड। तो और ब्लड के बाद, ब्लड से ये एक्सक्रीटरी सिस्टम तक जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से फिर आपके बॉडी से बाहर चला जाता है। तो ये आपका हो गया ओवरऑल ऑल दी कनेक्टिव टिश्यूज, दिस इज ऑल अबाउट योर कनेक्टिव टिश्यूज। क्लियर है सभी को? यस सर, एनी 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 डाउट्स? नो सर, नो डाउट, नो सर, नो।